इराक को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था और वहां टाइग्रिस नदी के पूर्वी तट पर आज के शहर मोसुल के ठीक सामने प्राचीन शहर निनवे के आश्वेश पड़े हुए हैं। यहां 1849 में 6000 साल पुरानी मिट्टी से बने सुमेरियन टैबलेट्स मिले थे, जिन पर एलियंस के बारे में उनकी सुमेरियन भाषा में लिखा गया था। विशेषज्ञों ने उस भाषा का अनुवाद करके ये बताया कि अनुनाकी नाम का एक एलियन वंश था। वो सुमेर में आकर बसे थे और इंसानों के साथ उनके शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। कहा जाता है कि सुमर यानी पुराने जमाने के इराक के अनुनाकी वंश ने हम इंसानों को बिल्कुल उनकी तरह बनाया था, जैसे वो हमें बनाना चाहते थे। सुमेरियन एपिक और हजारों साल पुराने टैबलेट्स में मिली जानकारी के मुताबिक अनुनाकी काल्पनिक नहीं थे, वो एक्चुअली उनके साथ पृथ्वी पर रहते थे। और इन टैबलेट्स में इस बात का भी जिक्र है कि अनुनाकी का ग्रे एलियंस जैसे जीवों से कुछ संबंध था। अनुनाकी दो शब्दों को जोड़कर बना है और कहा जाता है इसमें जो अनु है उसका मतलब है जो आसमान के देवों से जुड़ा हुआ है, और अनु को स्पेसिफिकली ओरियन के नक्षत्र से जोड़ा गया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये जीव ब्रह्मांड से कहीं से आए थे और यहाँ पृथ्वी पे आकर बसे थे। अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले स्कल्पचर्स और केव पेंटिंग से ये बात सामने आती है कि पृथ्वी पर अलग अलग एलियन स्पीसीज आती थी, जैसे छोटे कद वाले और बड़े सिर वाले ग्रे एलियंस, और इंसानों से बहुत लंबे विशाल एलियंस जिन्हें अनुनाकी कहा जाता है। और कहा जाता था कि एक और एलियन स्पीसीज थी जो लगभग हमारे इंसानों जैसी ही दिखती थी। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में होपी इंडियंस नाम के एक कबीले के पूर्वज दूसरी दुनिया के जीवों को भगवान मानते थे, और उन्होंने ही घाटी की दीवारों पर उनके कई चित्र बनाए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके भगवानों के कई चित्र आज के समय में बताए गए ग्रे एलियंस के हुलिये से बहुत ज्यादा मिलते हैं। होपी कल्चर में कचीनास का जिक्र किया जाता है और उनके स्कल्पचर्स देखकर लगता है कि वो दूसरे दुनिया के जीव हैं। वो एक्चुअली आधे एलियन थे और आधे इंसान, और कहा जाता है कि उनमें कुछ ऐसे पावर्स थे जो इंसानों में नहीं थे, इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। कचीना शब्द का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है टीचर। कचीनास उनकी इमेजिनेशन से क्रिएट नहीं हुए थे बल्कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे। होपी कबीला के मुताबिक वो आग उगलते हुए कवच में आसमान से धरती पर उतरे थे और इंसानों के साथ वक्त बिताते थे, उन्हें नई नई चीजें सिखाते थे, उनकी नॉलेज बढ़ाते थे और फिर से उसी कवच में बैठकर आसमान में लौट जाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो होपी लोगों के साथ ही रहते थे, और जब कचीनास को लगा कि उनका काम हो गया तो वो पहाड़ों पर रहने चले गए, सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों पर, और बाद में वो अचानक गायब हो गए। होपी कल्चर के लोग कचीनास को भगवान मानते थे, लेकिन क्या वो वाकई में भगवान थे? क्योंकि हमें उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो वो एलियंस ही लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि बहुत से कल्चर्स में ये बात कही गई है कि आसमान से भगवान आते थे, उन्हें मनुष्य जाति की औरतें बहुत सुंदर लगती थी। होपी कल्चर के लोगों का भी यही कहना है। अगर ग्रे एलियंस वाकई अतीत में पृथ्वी पर आकर इंसानों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे तो उनके बच्चे भी होते होंगे। शोधकर्ताओं को कई जगहों पर लंबे खिंचे हुए मानव जैसे प्राणियों के स्कल्स मिले हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि ये एलियंस और इंसानों के शारीरिक संबंधों से पैदा हुई हाइब्रिड स्पीशीज है, यानी वो आधे इंसान है और आधे एलियंस। यहाँ पेरू के कोस्टल इलाके में बने पिरामिड्स में ऐसे स्कल्स पाए जाते हैं। इन लंबे और अजीब स्कल्स को देखकर लगता है कि ये उन जीवों के सिर हैं जो आधे एलियन थे और आधे इंसान।
यहाँ पेरू में हुई उनकी डीएनए टेस्टिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये अजीब दिखने वाले स्कल्स उन जीवों के हैं जो आधे इंसान थे और आधे कुछ और थे। ये जो इलॉन्गेटेड यानी लंबे स्कल्स हैं, ये एक दो जगहों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमें ये सेंट्रल अमेरिका में मिले थे, कुछ स्कल्स साउथ अमेरिका में भी मिले थे और कुछ इजिप्ट में भी। मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरुआत में एलियंस के सिर बहुत लंबे होते थे और फिर धीरे धीरे उनका साइज कम होता गया। ऐसे स्कल्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कोई खोई हुई एडवांस सभ्यता है या वाकई एलियंस धरती पर आकर दुनिया भर में बसी अलग अलग सभ्यताओं के साथ बसते थे, या फिर ये स्कल्स इस बात का सबूत है कि ये वाकई में जीते जागते जीव थे जिन्हें इंसान भगवान माना करते थे। ये जीव सभी प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा है। ये एंशिएंट इजिप्ट में बादशाह अखनाटन के राज में पाए जाते थे और पेरू में हो रही लगातार खुदाई में ऐसे जीवों के स्कल्स बहुत सारे पाए गए हैं। अजीब अजीब तरह के स्कल्स पाए गए हैं। उनमें से कुछ स्कल्स तो बहुत ज्यादा बड़े और बहुत लंबे हैं। वो जो भी थे, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उन लंबे सिर वालों को उस वक्त भगवान माना जाता था। क्या 4000 साल पुराने माने जाने वाले ये लंबे स्कल्स वाकई इस बात का सबूत है कि अतीत में ग्रे एलियंस पृथ्वी पर आते थे? मार्स, 31 जुलाई 2008। नासा का फीनिक्स स्पेसक्राफ्ट मार्स यानी मंगल ग्रह की सतह पर उतरा। जब वो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मार्स पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज कर रहा था, तब उसे मिट्टी की परत के नीचे बर्फ के रूप में पानी नजर आया। जीवन के लिए इस सबसे जरूरी तत्व को पाकर ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद अतीत में मार्स में जीवन का अस्तित्व था। जब हमने सोलर सिस्टम में एलियन स्पीशीज को ढूंढना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि दूसरे ग्रहों के मुकाबले मार्स पर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हम अपने लोकल सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, एक जिस पर लाइफ है क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा मार्स जिस पर जीवन पनपना शुरू हुआ था लेकिन उसके गलत पोजीशन की वजह से वो ज्यादा देर तक फल फूल नहीं सका। इन्हें देखकर हमें ये उम्मीद जागी है कि यूनिवर्स में कहीं और जीवन जरूर होगा। मार्स का हमारी लाइफ में और किस्से कहानियों में एक स्पेशल जगह है जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और अब आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमी ने इतनी तरक्की की है, टेलीस्कोप्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम मार्स पर बने कैनाल्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि मार्स पर बहुत पहले कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीजों के लिए कैनाल्स बनाए थे, पर अचानक वहां पर प्रलय आ गई और वहां रहने वालों को मार्स छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। क्या ये मुमकिन है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह पहले जीवन पनपता था? अगर ये सच है तो क्या वो प्रजाति जिसे हम ग्रे एलियंस कहते हैं वहीं रहते थे? सारी माइथोलॉजीज में मार्स को युद्ध का ग्रह कहा गया है, तो इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि अतीत में शायद 10,000 या 1,00,000 साल पहले मार्स पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो सिविलाइजेशन किसी कारणवश नष्ट हो गई और जो थोड़े बहुत जीव बचकर निकल सके वो भागकर पृथ्वी पर आ गए। हमारे पूर्वजों को भी इस बात पर यकीन था कि मार्स प्लैनेट पर जीवन था। मार्स को हमेशा से एस्ट्रोनॉमिस्ट का जुड़वा प्लैनेट मानते आए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे डीएनए में ही ऐसा कुछ है जो हमें मार्स प्लैनेट की ओर आकर्षित करता है, और अगर यूनिवर्स में हमारी जैसी प्रजाति एग्जिस्ट करती थी तो उसके सबूत मार्स पर पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। हमने आज तक एलियन समझे जाने वाले जितने भी जीवों के चित्र और मूर्तियां देखी हैं, वो मानव प्रजाति से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो अगर फ्यूचर में ये डिस्कवर हो कि ये प्रजाति मार्स पर एग्जिस्ट करती थी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी।
आज अगर मार्स पर कोई स्पीसीज होगी तो वो अंडरग्राउंड होगी, यानी अगर ग्रे एलियंस मार्स पर एग्जिस्ट करते हैं तो वो जमीन के नीचे एग्जिस्ट करते होंगे। यहाँ पृथ्वी पर भी पास्ट में अंडरग्राउंड लाइफ एग्जिस्ट करती थी, तो हो सकता है कि ग्रे एलियंस वहां के रहने वाले हों। अगर मार्स पे पहले जीवन था और इंसानों जैसे अकलमंद जीव रहते थे, तो ये भी हो सकता है पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन था, या शायद पूरी की पूरी सभ्यता पनपती थी। 5 दिसंबर 2011 वैज्ञानिकों ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में 2 ऐसे ग्रहों को खोजा है जो सूरज जैसे तारों के चक्कर काटते हैं। वो ग्रह उनके सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में हैबिटेबल जोन में है, यानी उस क्षेत्र में जहां पानी और हवा जैसे चीजें हो सकती है जो जीवन के पनपने के लिए जरूरी है। साइंटिस्ट ने हाल ही में केपलर बी और दूसरे नए प्लैनेट्स के बारे में अनाउंस किया है। ये एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन पीरियड है। हमारे टेलीस्कोप्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि वे दूसरे ग्रहों के चक्कर काटने वाले प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं। तो सिर्फ हमारे प्लैनेट पर ही लाइट क्यों होगी? केपलर 22b का ही एग्जांपल ले लीजिए। वो अर्थ से 2.5 गुना बड़ा है और 290 दिन सूरज के चक्कर काटता है, और उसकी प्रॉपर्टीज अर्थ से बहुत मिलती है। तो हो सकता है ग्रे और दूसरे एलियंस इस दूसरी दुनिया से आते हों, जिनके बारे में हमें हाल ही में पता चला है। अब हम सच्चाई की बिल्कुल दहलीज पर हैं। साइंस, इस केस में नासा ने दूर के ग्रहों को डिस्कवर करके हमें संभावनाओं की दुनिया से निकालकर सच के बहुत करीब कर दिया है। अब एंशिएंट एलियन थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि मॉडर्न साइंस की रिसर्च की बदौलत धीरे धीरे सच्ची साबित हो रही है। आई एम श्योर केपलर टेलीस्कोप से और भी ग्रह दिखेंगे और उनमें से कुछ पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं। वैसे भी नासा की थियोरी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स हैं। उनमें से कुछ प्लैनेट्स पर तो इंसानों जैसे अक्लमंद जीव होंगे। अगर ग्रे एलियंस केपलर 22b जैसे हाल ही में खोजे गए प्लैनेट्स में रहते हैं, तो क्या अंतरिक्ष की खोज के दौरान वो पृथ्वी पर आ गए? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक इस सवाल का जवाब हमें सेंट्रल अमेरिका के प्राचीन टियोटिहुआकान शहर के पिरामिड्स और विशाल पत्थरों से बने स्मारकों से मिल सकता है। टियोटिहुआकान शब्द का मतलब है वो जगह जहां इंसान भगवान से मिलता है। टियोटिहुआकान शहर को वहां इसलिए बनाया गया था क्योंकि टियोटिहुआकान में इतिहास में कभी न कभी दूसरे ग्रह का कोई जीव जरूर आया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक टियोटिहुआकान के 3 मुख्य पिरामिड्स को ओरायन नक्षत्र के 3 सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों के साथ अलाइन करके बनाया गया था। चौड़े रास्ते पर छोटे स्ट्रक्चर्स को ऐसे पोजीशन किया गया था जैसे सोलर सिस्टम में ग्रहों की पोजीशन होती है। टियोटिहुआकान का एक मेन रोड है और वो रोड बहुत ही बड़ा है, और उस रोड पर छोटी छोटी बहुत सी इमारतें हैं जो ज्यादातर पिरामिड्स हैं। हर पिरामिड्स की पोजीशन हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट जैसा है, और हर 2 इमारतों के बीच उस तरह का फासला है जिस तरह सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स के बीच होता है। यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स को भी इसमें शामिल किया गया है। बीच में सन है, फिर मरकरी, वीनस, मार्स है, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आते हैं। लेकिन बिना टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी के उन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला था? और अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो उनका भी एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप है। इनफैक्ट इन पिरामिड्स के लोकेशंस को अगर अर्थ पर मार्क किया जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल ग्रीक पैटर्न बनता है, और जो भी सभ्यता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड नेटवर्क के लिए जिम्मेदार थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही एडवांस्ड रही होगी। हो सकता है वो एलियंस थे। इन स्ट्रक्चर्स को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि अगर उनके पास औजार थे तो उन मामूली औजारों से उन्होंने ये कैसे बनाया। मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक बात सच है, या तो पृथ्वी बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ लाइफ बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, और हमने जो अंदाजा लगाया था उससे लाखों साल पहले से यहाँ इंसान रहते हैं, या फिर एलियंस इंसानों की मदद करते थे। प्राचीन मनुष्य विशाल पत्थरों से बने मॉन्यूमेंट्स कैसे बना सकता था?
पूरी दुनिया में और ऐसी कई चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते थे। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, हमें कई जगहों पर, फॉर एग्जाम्पल आर्मेनिया में ऐसे कार्विंग्स मिले हैं जो दिखने में बिल्कुल ग्रे एलियंस जैसे हैं। सूमर यानी पुराने इराक में हमें ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं जो बिल्कुल ग्रे एलियंस जैसे दिखते हैं। इन सबूतों को देखकर लगता है कि ग्रे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं